नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयास बाई विनोद में। दोस्तों, प्रयास बाई विनोद से लगातार जुड़े रहने व ज्ञानवर्धक वीडियो के लगातार अवलोकन हेतु नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और उसके जस्ट 2 सेकेंड बाद आएगा बेल आइकान भी जरूर दबाएं। बेल आइकान से मित्रों ये होगा कि हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। मित्रों, अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो बूस्ट होता है और आपके साथ साथ ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मित्रों, आपके संग वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुजली की दवा के लिए दोस्तों, आप ये पौधा देख रहे हैं, एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, इसे एलोवेरा के नाम से जानते हैं, घृत कुमारी भी बोलते हैं, जगह जगह पे अलग अलग नाम बोलते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी एलोवेरा की। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा पौधा आपको हम दिखा रहे हैं एलोवेरा के, छोटे छोटे पौधे। इनसे अभी हम दवा बनाना आपको बताएंगे। उससे पहले वाले पेड़ से मैंने एलोवेरा लिया था। ये देखिए, पत्ती को काट के इसको मैंने खड़ा करके रख दिया। इसको जब हम लोग ऐसे रख देते हैं तो इससे थोड़ी देर इसमें से लिक्विड निकलेगा एक। ये देखिए, ये लिक्विड निकल रहा है। ये निकल जाएगा तो ये और बेहतर काम करेगा। ये देखिए, बिल्कुल टपकने वाला है ये, आप देख सकते हैं। तो इसको जब हम खड़ा करके ऐसे रख देते हैं तो थोड़ी देर में, 10 से 5 मिनट में ये सारा लिक्विड निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें और सामग्री मिलाएंगे, वो भी आपको हम बना के दिखाते हैं। 10 मिनट के बाद ये आपका एलोवेरा, इसके हम ऊपर का ये छिकला काट लेंगे इधर से ऐसे करके, इसको पतला पतला निकाल देंगे। ऐसे इसको बाहर रखेंगे और ऐसे इसका गूदा निकाल के, क्योंकि ये इतना चिकना होता है इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सिलवट्टे में पीस लेंगे। बहुत ही चिकना होता है, आप इसको पकड़ नहीं सकते हाथ से। इस तरह इसको हम ये निकाल लिए, आप ये देख सकते हैं। इस तरह हम वीडियो को रोक के पूरी प्रक्रिया आपको दिखाते हैं। अब ये बड़ा वाला है, अब इसको हम सीधा यहाँ से काट देंगे ऐसे ऐसे। फिर इसका जो इस साइड का नहीं निकालेंगे, जो टेढ़ा होता है उसको निकालेंगे छिकला। इस तरह से पूरा गूदा हमें निकालना है। ऐसे निकलेगा, ऐसा मैं पूरा निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका इसका ये, ऐसे पूरा निकल जाता है। बाकी तरीके से तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा मित्रों ये, क्योंकि ये चिकना इतना होता है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका।
ऐसे लिया, ऐसे ऐसे करके सबको निकाल देंगे। इस तरह सारे निकालेंगे। अब ये निकलने के बाद दोस्तों इसमें हम मिलाएंगे, ये देखिए हल्दी, बस इतना ज़रा सा हल्दी मिला देंगे और इसको पीसेंगे, क्योंकि अगर पीसेंगे ना तो ये मिक्सी में भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये इतना चिकना होता है। और दूसरी बात यह है कि पत्थर में पीसने से इसमें इसकी गुणवत्ता जो है बनी रहती और बढ़ जाती। इसको हम ऐसे ऐसे पीस रेडी होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा लिक्विड तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप ऐसा बिल्कुल चिकना सा ऐसा लिक्विड तैयार हो जाएगा। फिर इसमें भी अगर आपके पास उपलब्ध हो तो इसमें मिला दीजिए थोड़ा सा गोमूत्र। अगर गोमूत्र ना उपलब्ध हो तो इसमें मिलाएंगे हम गोधन अर्क, ये दिख रहा होगा गोधन अर्क, ये थोड़ा सा मिला देंगे तो ये और चमत्कारी और शक्तिशाली हो जाएगा। ये खाज खुजली के लिए या स्किन डिसीज़ के लिए सिर्फ दो बार लगाएंगे लाभ हो जाएगा, लगातार एक हफ्ते लगाएंगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसको हम पूरा एक बाउल में, एक कटोरे में इसको हम ऐसे पूरा रख लेंगे। अब उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिला देंगे अच्छे से। जब ये मिल जाए तो इसमें हम मिलाएंगे गोधन अर्क या गोमूत्र, ये देखिए ये है दिव्य गोधन अर्क। या आपको ताज़ा गोमूत्र मिल जाए तो भी मिला सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो 3 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं, किसी भी खाज खुजली, शरीर के किसी भी अंग में। अब गर्मियों में पसीने से इन्फेक्शन हो जाता है, खमोरियाँ हो जाती हैं, खुजली हो जाती है, त्वचा में आपको खुजली और दाने महसूस होते हैं, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार। बहुत अच्छा है पेस्ट, इसको आप जैसे ही से त्वचा पे लगाएंगे, ये देखिए ये जैसे ही इसको त्वचा पे आप लगाएंगे, बस ऐसे ऐसे इसको आप रगड़ देंगे हल्का सा, बस ऐसे लगा रहने दीजिए। अगर आप बगैर किसी, ये है आपको कि त्वचा में कोई विकार नहीं, उसके बाद भी आप इसको लगाएंगे तो आपकी त्वचा में ग्लो आएगा, सारे दाग धब्बे मिट जाएंगे। बस आपको ऐसे ऐसे करना है, बस मालिश करेंगे ये गायब हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ लगा था। ये देखिए ऐसे करके गायब हो जाता है ये त्वचा रोग। इसको आप लगाएंगे ये ख़राब नहीं होता है, इसको आप रख भी सकते हैं, ऐसे ढक के रख दीजिए, आप 10 हफ्ते आराम से इस्तेमाल करिए, कोई ख़राब होने वाली चीज़ इसमें नहीं है और बहुत चमत्कारिक गुण है दोस्तों। आप इसको घर पे ज़रूर बनाइए और इसका लाभ लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नए मित्रों से पुनः अनुरोध रहेगा कि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों संग शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।